आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द प्रॉब्लम इज दैट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रूव करना है दैट इस पूरे का जो डिटरमिनेंट है वो मेरा इसके इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करती हूं, दैट फर्स्ट जो मेरा कॉलम है इसमें पी 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 स्क्वायर पी क्यूब है, सेकंड में क्यू क्यूब स्क्वायर ऑफ क्यू क्यूब है, आर में थर्ड जो कॉलम है उसमें आर आर स्क्वायर और आर क्यूब है। तो मैं क्या करती हूं, दैट टेकिंग कॉमन P from C1, Q from C2 and R from C3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें तो मेरे पास क्या बच जाएगा, दैट पर जो कॉलम में से मैंने P कॉमन निकाला है तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा दैट, यहाँ पे P कॉमन आ गया तो ये तो फर्स्ट में यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा पी एंड यहाँ पे मेरे पास बच गया पी स्केयर, यहाँ पे मेरे पास बच गया 1, क्यू स्केयर में से क्यू चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्यू स्केयर बच गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच जाएगा आर और यहाँ बच जाएगा आर स्केयर। तो इतना हमारे पास डिटरमिनेंट है, जो इतना आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दैट अब यहाँ पे मैं दैट इज द C1, दैट इज द C2 एंड दैट इज द C3, दैट C1 इम्प्लाई C1 माइनस C2 एंड C2 implies C2 minus C3. तो ये हम लोग अप्लाई कर देते हैं, दैट सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ मेरे पास हो गया 0, ये भी 0 एंड दिस इज द 1, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट पी माइनस क्यू, नेक्स्ट हो जाएगा क्यू माइनस आर और थर्ड जो कॉलम है वो एज इट इज रही है, उसमें नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर और आर स्केयर एज इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर मेरे पास होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की मल्टीप्लाई। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे पास किसको सिंप्लीफाई करे तो क्या होगा, दैट फर्स्ट जो कॉलम आएगी वो क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, नेक्स्ट हो जाएगा जीरो क्यू माइनस आर, ये मेरे पास हो जाएगा क्यू प्लस आर एंड क्यू माइनस आर एंड यहाँ पे 1 आर एंड आर स्केयर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, दैट पी माइनस क्यू हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट यहाँ से, दैट इज पी माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में से, तो बाहर मेरे पास क्या हो गया पी माइनस क्यू और उसके बाद यहाँ से हम क्यू माइनस आर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास बच गया 0 0 1, यहाँ बच गया 1 1 आर एंड यहाँ मेरे पास बच जाएगा पी प्लस क्यू एंड क्यू प्लस आर एंड यहाँ पे मेरे पास बच गया। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंड में करूंगी तो क्या होगा, दैट पी माइनस क्यू, नेक्स्ट हो गया क्यू माइनस आर और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर में होगी, सॉरी क्यू प्लस आर में होगी, तो क्यू प्लस आर आ गया माइनस ऑफ पी माइनस क्यू हो जाएगा मेरे पास, तो क्यू से मैं क्यू को जो है कैंसिल आउट कर देती हूँ तो क्लियरली मेरे पास कितना आ गया पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा आर माइनस पी एंड स्टार्टिंग में हमने पी क्यू आर जो कॉमन लिया था तो एक बार हम उसको भी लिख लेते हैं, दैट यहाँ से मैंने पी क्यू आर कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास पी क्यू आर हो जाएगा, सेकेंड में भी यहाँ पे पी क्यू आर हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरे पास पी क्यू आर आ जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।